बिहार बीजेपी वाले को क्या मालूम, ये सबको बहुत, ये सब बेचारा तो ये सब तो बीपीएल है राजनीति में ना, ये सबको क्या मालूम। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से भय जरूर लगता है। देखिए, नीतीश कुमार के जो फैसले होते हैं वो चौंकाने वाले रहते हैं, और नीतीश कुमार कब क्या कर जाए ये किसी को पता नहीं रहता। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौधरी देवीलाल की जो जयंती है उसमें नहीं जा रहे, और सियासी बाजार गर्म है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के करीब आ रहे हैं, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है उसमें वो शिरकत करेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, क्या संकेत दे रहे हैं आप? इसकी मुझे कोई औपचारिक उनके कार्यक्रम का जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी चौधरी देवीलाल के स्मृति के विभिन्न कार्यक्रम में जाते रहे, और आज कैबिनेट की बैठक है तो स्वाभाविक है पार्टी के, हम जहाँ तक हम समझ पाते हैं कि माननीय केसी त्यागी जी हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, और उस कार्यक्रम के आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हो सकता है कि उनको दायित्व सौंपा होगा, तो पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा, इसको तो इसका अंदेशा मुझे है। लेकिन साथ ही साथ अब पटना में आयोजित जो कार्यक्रम है तो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम की तो हमको जानकारी है, लेकिन इसके अलावा कोई विधिवत और कोई कार्यक्रम है तो इसकी अद्यतन सूचना नहीं है। पुरखों का सम्मान करना व दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर माननीय नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, सबका सम्मान करना, यही बिहार है जहाँ माननीय नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस के लिए भी सम्मान किया, माननीय नीतीश कुमार जी ने दूसरे लोगों का भी सम्मान किया है। सम्मान के रूप में आप अरुण जेटली का सम्मान देख सकते हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सम्मान, इसके अलावा समाजवादी आंदोलन के जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान। तो पुरखों का सम्मान कोई दलीय आचरण के आधार पर वह तय नहीं करते, बल्कि वह संस्कार जो उनका है राजनीति का उसके आधार पर तय। बीजेपी तो कह रही है कि भाई कोशिश कर रहे हैं नज़दीक आने का, विचलित हैं, इंडिया गठबंधन में महत्व नहीं मिल रहा है। ये लोग बिहार बीजेपी वाले को क्या मालूम, ये सबको बहुत, ये सब बेचारा तो ये सब तो बीपीएल है राजनीति में ना, ये सबको क्या मालूम क्या चीज़ है राजनीति, किसको कहते हैं, कहाँ जानकारी। चर्चा तो ये निकलती है ना कि भाई पीएम उम्मीदवार हैं, बड़ा चेहरा है। नीतीश कुमार जी विपक्ष की आवाज़ हैं, उन्होंने खुद कहा है कि मैं कोई पद का आकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के व्यक्तित्व से भय जरूर लगता है। तो कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रही? ना ना ना, प्रेशर पॉलिटिक्स का ये सब काम का कोई मतलब नहीं। देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रही, नीतीश कुमार ने तमाम उन नेताओं का सम्मान किया है जिन्होंने देश में सियासी तौर पर एक बड़ी जो विषाद है वो तय की है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अंजलि कॉचूर, हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइंस में पार्टी वियर लहंगा। खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर सेकंड फ्लोर, सगुना मोड, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।